इसी में धमाल और इसी में होली के फायर, ठीक है। 15 मिनट का समय और है। हाँ, 31 मार्च को दोबारा से पुनः वो दिन पूरा धमाल होगी पूरी तरीके से। 31 मार्च है ना जी। हाँ, कोई बात धमाल ये देखा। ओ कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी ये नजर उतार, कितना प्यारा है, हो कितना प्यारा है, अरे ले नजर उतार तेरी ले कहिए ना। हाँ ले आज आपने इसकी नजर उतार ली ना, विश्वास दिलाता हूँ कि कल से आपके बच्चों को नजर लगनी बंद हो जाएगी। ऐसा धर्मार है, खड़े होकर के बैठ के नहीं और कितने धमाल के साथ 1 2 3 4। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है, अरे कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है। केसर चंदन तिलक लगाकर धज धज करके बैठो है, केसर चंदन तिलक लगाकर धज धज करके बैठो है, अरे लग गए तेरे चार चांद जी, लग गए तेरे चार चांद जो पहने तूने हार, कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी देओ नजर उतार, कितना प्यारा। सांवरिया तुमको किसने सजाया है, सांवरिया तुमको किसने सजाया है, रे सांवरिया तुमको किसने सजाया है, सांवरिया तुमको किसने सजाया है, तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, तुझ सुंदर से सावरिया तुझको मित्तल ने सजाया है, सावरिया तुझको मित्तल ने सजाया है, रे सावरिया तुझको मित्तल ने सजाया है, सावरिया तुझको मित्तल ने सजाया है। कहीं नजर न लग जाए ये शिकार सजाया है, कहीं नजर न लग जाए शिकार सजाया है, सांवरिया तुमको किसने सजाया है, सांवरिया तुमको किसने सजाया है, तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, तुझ सुंदर से अरे कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात, अरे कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, घर को निभानो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन
थारी अरे सेवा हमें थारी ओ माने आज भी छुड़ानो थन कोल निभानो है कीर्तन भी है जमाई की बोले कैसे हो कैसे
कैसे हो इनकारा आज बरसाने में, कैसे हो इनकारा आज बरसाने में, बरसाने में बरसाने में बरसाने बरसाने में खेले सखियन संतपाल आज बरसाने में, खेले सखियन संतपाल आज बरसाने में। होली है संग में सखा बड़ी मतवाली, संग में सखा बड़ी मतवाली, संग में सखा बड़ी मतवाली, संग में सखा बड़ी मतवाली। कहे मोहन, एक आई मोटी दादी बोले, मोहन हमने सुना है कि तो बड़ी जोर जोर से हल्ला मचा रहा है, होली है होली है। कहे मोहन अब ललकार आज बरसाने में, कहे मोहन अब ललकार आज बरसाने में, बरसाने में बरसाने में बरसाने में खेले सखियन संतपाल आज बरसाने में, खेले सखियन संतपाल आज बरसाने में। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो हो 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 हो। एक सखी आई बोली, कन्हैया बड़ी ललकार रहा है, बोले क्या, आ मोहन तू खेल अब होली, मोहन तू खेल अब, दिन में दिखाई दूंगी मैं तो है तारे, दिन में दिखाई दूंगी मैं तो है तारे। अब जब होली मचेगी लठमार आज बरसाने में, जब होली मचेगी लठमार आज बरसाने में, बरसाने में बरसाने में बरसाने में बरसाने में बरसाने में बरसाने में बरसाने में। कैसे बैठे, बड़े हो जाओ ना होली के दिन। हाँ सभी खड़े हो जाते, बैठे बैठे होली खेलती तो होली खेले सखियन संतपाल आज बरसाने में, खेले सखियन संतपाल आज बरसाने में। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। रे कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो अरे कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी ऐसे बोलोगे, कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी मैं तो वृंदावन। अरे कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। Thank you.
वृंदावन तो बन नहीं नंद गांव तो गांव, वृंदावन तो बन नहीं नंद गांव तो गांव, बरसाने की होली नहीं कैसे है वे धाम, बरसाने की होली नहीं कैसे है वे धाम। फिर 5 मिनट है मेरे पास, इतना होगा मचाना है मचा दी। और अकबर से रंगभर से खाटू नगरिया में, रंगभर से रंगभर से खाटू नगरिया में, रंगभर से रंगभर से रंगभर से खाटू नगरिया में, रंगभर से रंगभर से खाटू नगरिया में, रंगभर से। अरे खाटू में चांदी का भवन निराला, खाटू में चांदी का भवन निराला, अरे खाटू में चांदी का भवन निराला, खाटू में चांदी का भवन निराला, अरे भवन निराला, भवन निराला, भवन निराला, भवन निराला। हाँ, बड़ी खुशखबरी, मेरे को भी पिछले साल भी दी थी, अब की बार भी पता चला कि पूर्णिमान होने वाला है। अरे सोनीपत में श्याम जी का भवन निराला। हाँ भैया, कैसा मंदिर है पता है? अरे ध्वजा रही है फुहार, सोनीपत में एंट्री करते ही ध्वजा दिखनी चाहिए बाबा जी प्रधान जी। अरे ध्वजा रही है फुहार, भगत हर से रंग भर से, रंग भर से खाटू नगरिया में, रंग भर से रंग भर से रंग भर से खाटू नगरिया में, रंग भर से रंग भर से खाटू नगरिया में, रंग भर से। बोलो खाटू नरेश की जय। त्रिवेक लाइन, मेरा आपकी कृपा से सबका करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी सब काम हो। एक बार जरा दोनों हाथों को उठा करके, ऐसे नहीं, श्याम बाबा का जो त्योहार है आज का सबसे बड़ा त्योहार है ये। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि काफी लोगों के मन में ये है कि जो श्याम बाबा से नए नए जुड़ रहे हैं कि आज के दिन श्याम बाबा का जन्म हुआ था। नहीं, आज के दिन श्याम बाबा का जन्म नहीं हुआ था, आज के दिन खाटू के अंदर बाबा श्याम के जो दर्शन करने जाते हैं हम, वो शीश प्रकट हुआ था। आज के दिन जन्म हुआ था कार्तिक की 11 को, जिसे हम बोलते हैं देव उठनी 11, उस दिन बाबा का जन्म हुआ था। काफी नए नए श्याम प्रेमियों के मन में ये है कि आज के दिन बाबा का जन्म था तो इसलिए मेला लगता है। नहीं, आज के दिन खाटू के अंदर शीश प्रकट हुआ था। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद राज खाने के सभी समस्त रेडियो का। तारा है ओ शाम के भक्तों को तेरा ही सहारा, हमें तेरा सहारा है, हो बाबा।
मुझे तेरा सहारा है, श्याम भक्तों को तेरा ही सहारा है, ओ श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। किसको कहूँ अपना, अपने को बेगाने हैं, ओ बाबा किसको कहें अपना, अपने तो बेगाने हैं। फुर्सत नहीं को मतलब के दीवाने हैं, के दीवाने हैं। अरे प्रेमी से अपने मिला, ओ बाबा प्रेमी से अपने मिला, किया सबसे किनारा है, ओ श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। मेरा छोटा सा परिवार बाबा के बार, मेरा छोटा छोटा सा परिवार बाबा आ जाओ एक बार, बाबा आ जाओ शमा जाओ, बाबा आ जाओ शमा जाओ, तेरा धूप सजा दरबार बाबा आ जाओ एक बार, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरा बेड़ा पार लगा जाओ, मेरा बेड़ा पार लगा जाओ, ओ हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार, क्या है मित्र भाई का छोटा भाई हूँ, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा बाबा के। आज देखो पहली बार सुनो, आज मैंने पहली बार खुशी हुई है श्रृंगार करते हुए, को बड़ा दिन हुआ, अगर बाबा का पसंद आया मेरा श्रृंगार आया हो जो बाबा सुने तो मैं पर अपने लिए तालियां चाहूँगा, तो बाबा अच्छे लग रहे हो। और एक सूख सूचना मैंने 31 दिसंबर भैया 31 मार्च काफ़ी लंबी डेट ले गए, दूसरी डेट में आपको दे देता हूँ कहीं तरफ प्रोग्राम हो या ना हो। आने वाली 23 जून बार शनिवार समय 6:15 बजे इच्छा तक, जो मेरे ख्याल किसी को भी हो जगह नहीं देखते हैं, शायद सोनीपत वाले होता है, सेवा शिक्षा सदन देवनगर सोनीपत के अंदर श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का भव्य दरबार सजेगा, जिसके अंदर भजन सम्राट होंगे पूनम दीदी वृंदावन धाम से, राजेश अटेलिया जयपुर से, और अभी आपके बीच में गए थे मास्टर दीपांशु जी दिल्ली से, और मेरा छोटा भाई संदीप तायल सोनीपत से। तो सभी के चरणों में प्रार्थना है 23 जून वार रविवार समय 6:30 बजे से प्रभु इच्छा तक वहीं सभी पहुंचकर बाबा की ज्योत का आनंद लें और विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। म्यूजिशियन भाई हमारे बीच में आ चुके हैं और बड़ी ही सुंदर सी अभी एक धुन देंगे हमारे नवीन भैया, बड़े अच्छा कैसे बजाते हैं और उनकी टीम का क्या कहना है। बोले श्याम प्यारे की खुशी हो जाए घर सावरा, खुश हो जाए घर सावरा, हर ठाट देता है और ज्यादा ऊंचे उड़ने वालों के पर काट देता है। तो बड़ी प्यारी सी धुन के साथ अशोक पंडित जी देखूं तुमको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखूं तुमको कितना सुंदर रूप
की छाया बाकी दुनिया धूप है तेरा साथ जब जब भी जग से हारूं मैं तस्वीर को इसकी निहारूं मैं जब जब भी जग से हारूं मैं तस्वीर को इसकी निहारूं मेरा शाम आ जाता मेरे सामने 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 बोली श्याम प्यारे की ये हमारे ही वो सावन मित्तल जी है इनके मुंह पे जितनी तारीफ की जाए कम है क्योंकि जिसका जितना नाम उतने पीछे रहता है मैंने कई बार देखा पंडाल में आता है और प्रोग्राम में पीछे जाके बैठ जाता है इस नाम का
और यारी उस जैसी क्यों तुम निभाते और कहते हो भगवान, और कहते हो भगवान। सिर्फ दो कदम की दूरी, दो कदम भाव के इसकी तरफ बढ़ाओ, ये आपको बाहों में ना भर ले, इसीलिए इसका नाम श्याम सुंदर है। जितने भी देवी देवता हैं उनको एक ही नाम से पुकारते हैं, कोई भी नाम है, लेकिन ये वो देव है, इसको किसी भी नाम से, इसको बंधु बनाओ भाई बन के आएगा, पिता बनाओ पिता के रूप में आएगा, लाखों करोड़ों नाम इसके, जिस नाम से बुलाते हैं उस नाम से ये आता है, इसीलिए इसका नाम श्याम। नरसी के सेठ सांवरे, मीरा के श्याम हो, जिसने जिस नाम से पुकारा उसी नाम से आए, जो मन मन में आपके भाव हो उसी नाम से इसको पुकारना। बोलिए श्याम सरकार की। मेरे भजनों में वो ताकत नहीं आपको नचा सके, लेकिन मैं इतना कहता हूं, अगर ध्यान से सुनोगे, दिल से सुनोगे, आपकी आत्मा जरूर नाचेगी। बोलिए श्याम सरकार की जय, दातार की जय। कि दुनिया से जो मांगा मिलती रुसवाई है, तेरे दर पे सुनते हैं होती सुनवाई है, दुख दूर करो मेरे, मैं भी दुखी आ रहा हूं, जैसा भी हूं अपना लो, मैं बालक जैसा भी हूं, अच्छा हूं बुरा हूं दीन हूं अधम हूं, जैसा भी हूं सिर्फ तुम्हारा हूं, इसी भाव से कीर्तन होता। कौन कौन कीर्तन में आए एक बार आ चुके, भजन सुनने के लिए आप सीडी लगाओ, भजन चलते रहते हैं, चलते रहेंगे, लेकिन कीर्तन असली तब होता है जब आप लोग साथ में बोलते हैं। कीर्तन का असली आनंद है तालियों के साथ, ताली और एक छोटी सी घंटी, वो बजती रहे तो बाबा जी जीतता है। बोले श्याम सरकार की, ताली बजाओगे ना और साथ में बोलना भी है। कि दुनिया से जो मांगा मिलती रुसवा, दूर करो मेरा, मैं भी दुखी आ रहा हूं, जैसा भी हूं अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूं, और दुनिया से मैं तकदीर कमाया हूं, जैसा भी हूँ अपना लो, मैं बालक दोनों हाथों में आगे ताली बजाते हो। दुनिया से मैं हारा हूँ, जो जो अपने आप को पापी मानता है, देखो अंदर से सबको पता है मैं क्या हूं,
सबको पता है हम कितने पापी हैं, कितने गिरोने हैं अंदर से, बाहर से चाहे कुछ भी चेहरा हो अपने अंदर का सबको पता है। अपनी आत्मा जानती है या ये परमात्मा जानता है मैं अंदर से कैसा हूँ, इसीलिए तो मैं आज कर रहा हूँ। पापों की गठरी ले क्यों है? क्योंकि जो सारी जगह से थक के आया है ना उसको ये जिता के बेचता है, इसीलिए कोशिश करते करते नहीं नाम चला पाया।
को पारोगे, तुमने दिल से पुकारा है। जो जो इस दुनिया से हार के इसकी शरण में आना चाहता वो सिर्फ ये दो लाइनें बोली, दुनिया से मैं हारा तकदीर का जैसा भी हूँ अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ। जैसा भी हूँ अपना लो, मैं बालक सरकार की जय हो। बाबा द्वार तेरा निराला, शरण जो तेरी आया उसे तूने संभाला, और देवता इस जहां में कोई तुम सा किस्मत, बात झूठी नहीं है। और बाबा तुम सा दयालु, बोले श्याम सरकार की जय हो। इस भजन के बाद में ये भजन पूरा करूंगा, पहले भोग का भजन। कर्मा भाई का नाम किस किसने सुना, एक बार हाथ उठाए। अच्छा, श्याम प्रेमी और कर्मा भाई का नाम नहीं सुना, मुझे बड़ा अचंभा हुआ ये सुन के। गिने चुने हैं, जिसने नहीं सुना उसको मैं बताता हूँ। एक छोटी सी बच्ची, 12-13 साल की बच्ची, क्या होती है कुछ पता नहीं होता, माँ थी नहीं, पिता रोज बाबा का भोग लगाते थे, और एक दिन किसी काम से बाबा को दूसरे गांव जाना पड़ा, तो बच्ची को कहते हैं कि बेटा बाबा को भोग लगा के तब तूने खाना खाना है। अब बच्ची को क्या पता भोग कैसे लगता है। अगले दिन सुबह सुबह बाजरे की खिचड़ी बनाई और बाबा के सामने रख दी, ले खा ले। अब हम ज्यादा बुद्धि वाले हैं, हमें पता है क्या होता है, लेकिन भोलापन जो होता है ना, भगवान किस पे रिझता, भोलेपन पे रिझता है। बच्ची भोली, उसको नहीं पता भोग कैसे लगता है। खिचड़ी रखी, सुबह रख दी, एक घंटा हुआ, दो घंटा हुआ, खिचड़ी यूं की यूं रखी। अब बच्ची को भूख भी लगी, बाबा ने कह दिया अगर भोग नहीं लगाए तो मत खाना, भोग लगाने के बाद खाना खाना है। इसी पे किसी श्याम प्रेमी ने भजन बनाया है, वो भजन मैं आपको सुना रहा हूं। कि कर्मा बेटी जाट की और थी भोली नादान, और भगतारी पथरा ये भोले भक्तों की लाज बड़ी जल्दी रखता है, जो शाणा बन के आता है समझदार बन के जाता, देखता भी नहीं उसकी तरफ। इसीलिए कि थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर घी की बाट की, और जी मैं मारा शाम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की।
मंदिर की तरफ जाते फिर वापस आती खिचड़ियों पे रखी हुई है, बाबा ने तो हाथ भी दे लगाया। बार बार मंदिर में जलती बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जलती बार बार में खोलती, भैया बोली थी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, भैया बोली थी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। ये राजस्थानी भजन है लेकिन करड़ी हरियाणा में भी बोला जाता, करड़ी समझते ना, जोर जोर से डांट डांट के बोलती, अब त्रिलोकी के नाच को डांट के बोलती है, ये बोलापन ही है, बच्ची ना बोलापन। कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, मानू ना कोई लाट ही, लाट समझते हो तू, लाट साहब लाग रहे थे बोलते ना हरियाणा में, लाट साहब लाग रहा। अब ठाकुर को त्रिलोकी के नाटक बोलती है मानू ना कोई लाट की, तू जी मैं जद मैं भी जी मानू ना कोई लाट की, जी मारा शाम घड़ी जी मैं बेटी जाट की, बेटी जाट की, उसको लगता है कि बाबा को आदत है मेरे पिता के हाथ से खाने की इसलिए नहीं खा रहा, उसको समझाती है ठाकुर को समझाती है, बाबा मारो काम करो है लेकिन आज तक तो है। आज रखी चिड़ो, आज जिमाओ तन रखी चिड़ो, भालना बड़ी बात की, मारा श्याम धनी की मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की, थाली भर कहलाई रखी चिड़ो ऊपर की बात की, तो पैर हो गई। बच्ची को एकदम से ध्यान आता है कि बाबा जब भोग लगाते हैं तो पर्दा करते हैं, मैं तो पर्दा भूल ही गई, और पर्दा है नहीं, बाबा तो अपनी चुन्नी को यो सिर पे जो बांधते थे वो आगे कर देते थे, मैं क्या करूँ। धावलिया समझते हो, धावलिया राजस्थान में घाघरे को बोलते हैं, घाघरा समझते हो गए हरियाणा के हैं, सब समझते होंगे। अब उसने क्या किया, घाघरा ऐसे आ गया ढा दिया, पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी, पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी, आवलिए की ओट में पर शाम की चिड़ो खायो जी, आवलिए की ओट में पर शाम की चिड़ो खायो जी। अगर भाव से भोग लगाओगे ना, हमारी सोच क्या होती है कि जो चीज मुझे पसंद है मैं उसी का भोग लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसने तो खाना नहीं, बाद में किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा, जो चीज मुझे पसंद है उसी का भोग लगाऊंगा। अब बच्ची को खिचड़ी बनानी आती थी लेकिन भाव इतने प्रबल थे, भाव थे तो ठाकुर ने बैठ के उसकी खिचड़ी खाई, इसीलिए आज भी बाबा का जब कीर्तन होता है ना, खिचड़ी के बिना इसका छप्पन भोग अधूरा होता है। और श्याम सुंदर ने उसके वहां बैठ के खिचड़ी खाई, आज भी कर्मा बाई की खिचड़ी बांटी जाती है, बोले श्याम सरकार की, इसीलिए कहते भोले भाले भगत जो होते हैं ना उनपे ही ये रिश्ता है, भोला भाला भगता सुयो, भोला भाला भगता
भोग लगता है भाव से, वो आपकी किसी चीज का भूखा नहीं, आपने 56 भोग लगाए, ना वो आपके माखन मिश्री चाहता, ना वो चूरमा चाहता, ना खिचड़ी चाहता है। अगर मन से अपना एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, बाद में बताऊंगा अभी ये भजन के बाद, पहले एक बार आप लोग भोग लगा लो, दोनों हाथ उठा मन से भोग लगा। यहाँ किसी जाति विशेष का पर है तेरे साथ खड़ा, और संकट तुझ पे जब भी आए तुझसे पहले शाम लड़ा, और मोह माया से रीझता हो ये ऐसा साहूकार नहीं, और देख बना कर शाम को साथी इनसे सच्चा यार नहीं, देख बना कर शाम को साथी इनसे सच्चा यार नहीं। इनसे सच्चा कोई यार नहीं हो सकता, कोई भी किसी पे जितना ज्यादा भरोसा करूंगा ना वो उतना ही भरोसा तोड़ के जाता है। जीवन साथी भी एक बार कभी ना कभी एक ऐसा काम जरूर करता है कि धोखा लगता है कि हाँ मेरा विश्वास डोला, लेकिन ये ऐसी सरकार है कभी साथ छोड़ के नहीं जाती। बोले श्याम सरकार की जय, बोले लख दातार की जय हो। खाटू कौन कौन गया, एक बार हाथ उठाए, इतने गए। और वृंदावन कौन कौन गया, वृंदावन जो मांगने गया है एक बार वो हाथ उठाओ। अच्छा झूठे बैठे हैं सारे, अरे वहां जाते ही मांगने के लिए है, और किसी काम के लिए जाते भी नहीं है, जाते हैं तो मांगने ही जाते हैं। लेकिन जब सामने पड़ता है ना, जो हम मांगने गए वो भूल जाते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों का, लेकिन जैसे ही नजरे बाबा से मिलती है या ठाकुर से मिलती है, जो मन में था सब भूल गए, और जब वहां से बाहर निकलते तब याद आता है कि यार वो तो मांगा ही नहीं, और बिना मांगे वो चीज मिल जाती है। तो जब बिना मांगे मिलती है तो किस लिए उससे मांगना है, जब बिन बोले मिलता। अच्छा पहले ही अच्छा किस किस को बिना मांगे इसके दरबार से मिला, कभी इससे मांगो मत, रुपए पैसे तो कभी मत मांगो, मांगो तो सिर्फ ये मांगो कि मुझे सुबह शाम या किसी भी टाइम, ये नहीं कहता आप नहा के भजन करो, ये कभी नहीं कहता आप मुझे ये भोग लगा के भजन करो, जैसे भी हो किसी भी हालत में हो राम श्याम जो आपका इष्ट है उसका नाम जपते रहो, बस यही इसकी इच्छा है। बोले श्याम सरकार की वो जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, हो मेरी दुनिया तुम ही हो दुनिया से क्या मांगे। किस किस को मिला है दोनों हाथ डालो। हो जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले
कभी मांगने जाओ ना, कभी भी रुपया पैसा ना मांगो। अगर इसके सामने बोलो बिना मांगने के लिए मत बोलो, बोलो सिर्फ इसके भजन गाने के लिए। गाओगे ना भजन, दोनों हाथ उठाओ ताली बजाते हुए। धन दौलत क्या मांगे मुस्कान ये तुमने, धन दौलत क्या मांगे मुस्कान ये जिसको जो चीज पसंद आए उठा के ले जाओ।
अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही दरबार का महल का दरवाजा खुलता है भीड़ अंदर और जिसको जो भाता है जो मिलता है उठा उठा के अपने घर 10 मिनट में ही पूरा महल खाली अकेला राजा बैठा हुआ। तभी एक आदमी आता है, राजा देखता पागल इतनी देर में आया है, अब तक तो सब लुट गया। वो आदमी कुछ नहीं देखता इधर उधर कहीं नहीं, सीधा राजा के पास जाता और उसको गोद में उठा लेता है। कहता मुझे गोद में उठाने का क्या फायदा? कहता कि पूरा शहर पूरा नगर तेरा है और तू मेरा है, ये शहर भी मेरा है, तो हम दोनों दौलत क्यों मांगे साहब अगर इसी को मांग लेंगे। तुमको ही मांग लिया तुमसे अब क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के बोले श्याम सरकार की बोले रक्तदातार की जय। हो गया अच्छा हाजरी। काली घटाएं तो क्या इसकी छतरी के, मैं फरी का कलाकार हूँ पहले ही बता दिया, अगर आप भी फरी के हो ना फरी के, इसकी सेवा अगर फरी में भी मिलती है तो क्या बुरी है। छाए काली इसकी छतरी के मैं आगे आगे मेरे मालिक के मैं पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है, इसने पकड़ा मेरा हाथ है मुझको डरने की क्या बात है। आयोजन के लिए कुछल परिवार ने किया है ना, कुछल परिवार का ही नाम आया था, कुछल परिवार ने नहीं किया साहब, उनको माध्यम बनाया है ये दरबार सजाने का। क्यों? जहां आनंद की लगती छड़ी दिल चुराने में, दिल चुराने में भी जाती है, मुझको डरने की क्या बात है, दिल चुराने में भी जाते हैं मुझको डरने की क्या बात है। सांवला जब मेरे मुझको डरने की क्या है, इसके रहते इसकी ये औकात है, इसके रहते कोई कुछ कहे बोलो किसकी ये औकात है।
बोलिए श्याम सरकार की। अच्छा अब हाँ है इनको वो लगाया भोग है और सांवरे को ये पसंद है कहते सारे लोग हैं। मुझे खीर पसंद है इसलिए मैं खीर का भोग लगाता हूँ, मुझे पता है इसने खाना नहीं, बाद में मेरे हिस्से आनी है। किसी को लड्डू पसंद है महावीर जी को लड्डू चढ़ाएंगे मुझे मिलने, जो मुझे पसंद है वो मैं इसको खिलाता हूँ। कि हमने जो चाहा है इनको वो लगाया भोग है और सांवरे की ये पसंद है कहते सारे लोग हैं। लेकिन पूछ कर एक बार इनसे भोग इनका लाइए, पूछ कर एक बार इनसे भोग इनका लाइए। क्या पसंद और ना पसंद है थोड़ा तो बतलाइए और सांवरे के दिल से पूछो इनको भी क्या चाहिए। सांवरे के दिल से पूछो इनको भी क्या चाहिए। अच्छा ये एक हमारे जैसों की, मैं भक्त तो नहीं कहूंगा क्योंकि हमारी औकात नहीं भक्त बनने की, लेकिन हम जैसों की आदत है, हम जब भी जाते हैं चाहे वृंदावन गए चाहे खाटू श्याम गए या वैष्णो देवी, जहां जिसका जो इष्ट है जब भी गए उसके पास हमने सिर्फ एक ही काम किया। इनफैक्ट जन्माष्टमी भगवान का जन्मदिन होता है उस दिन भी हमें जाते हैं ना तो एक ही काम करते हैं, रोते हैं मेरे ये दुख रहे मेरे वो दुख रहे, कोई काम नहीं। क्या उसने सिर्फ रोने के लिए ही दिया है? क्या उसने कोई ऐसी चीज नहीं दी कि हम हंस सकें? अगर दिल से देखोगे रोने का कोई काम नहीं दिया, हमेशा खुश रहने का हंसने का ही काम दिया। हम करते क्या है? रोते रहते हाल अपना सांवरे के सामने, रोते रहते हाल अपना सांवरे के सामने। अच्छी बात है इसके आगे ना रोएंगे तो किसके आगे रोएंगे? लेकिन कभी तो कोई हंसने की चीज दी होगी ना, इसलिए शुक्रिया करके अदा एक बार तो मुस्काइए, शुक्रिया करके अदा एक बार तो मुस्काइए। आपके पड़ोस का कोई बच्चा अगर आता है ना आपके पास रो, अगर वो रोता हुआ आता है आप भी कहो रोतड़ी शक्ल लेकर रो जाते हैं, बोलते हैं ना, तो इसको कितना बुरा लगता होगा जब हम रोते हुए इसके सामने जाते हैं। कभी तो हंस के शुक्रिया करके अदा एक बार तो मुस्काइए, और क्या पसंद और ना पसंद है थोड़ा तो बतलाइए। अच्छा आज श्याम एकादशी है, एकादशी का बड़ा महत्व है क्योंकि बाबा की एकादशी होती माना जाता है। आजकल श्याम जगत में बड़ा चलन है, एकादशी को खाटू जरूर जाते हैं, लेकिन एकादशी ही क्यों? अच्छी बात है एकादशी को जाओ, लेकिन कोई और एक दिन भी तो